एक दिसंबर से जिले में धान खरीदी शुरू हो चुकी है। वही जिला प्रशासन और खाद्य विभाग लगातार बिचौलिए और कोचियों का नकेल कसने में के लिए कार्रवाई कर रहा है। इसी क्रम में खनिज विभाग की टीम ने एक ट्रक का अवैध धान जब्त किया। जिला प्रशासन को जानकारी मिली थी कि बिहारपुर इलाके में मोहली गांव से एक ट्रक अवैध धान मंडी में खपाने के लिए ले जाया जा रहा है, जिसके बाद प्रशासन ने कार्रवाई को अंजाम दिया है। जिले में अवैध धान परिवहन के लिए हम नाका का यहाँ पे व्यवस्था किया है बिहारपुर में, क्योंकि ये हमारे एमपी से लगा हुआ बॉर्डर है जी। तो यहाँ पे हमने कोलवा में लगाया हुआ, यहाँ पर महुली से आ रहा था जी। ये किसान जो है, इनका कहना है कि महुली में मेरा खेत है और मैं जो है यहाँ पर नौगन में बेचने जा रहा हूँ करके, क्योंकि इसने जो कूपन दिखाया उसमें ऑलरेडी बिक्री हो चुका था, आज की डेट पे कूपन था। अच्छा। लेकिन वो जब हमने पकड़ा उस समय बिक्री हो चुका था और ये धान ऑलरेडी, मतलब ये बोलना चाह रहा था कि इसको मैं बेचना जा रहा हूँ, जब हमने पता किया तो ऑलरेडी बिक चुका।